नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है डे वन की मिशन बुनियाद की संख्याएं वाली वर्कशीट। इसमें पहला प्रश्न देखिए। विस्तार सारणी के उदाहरण के अनुसार अलग अलग कॉलम से संख्या चुनें और निम्न प्रकार से नई नई संख्याएं बनाएं, साथ ही उनके संख्यांक और संख्या नाम भी संख्या नाम के रूप में लिखें। ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, ये टेबल दी गई है। इसमें जो है ना बच्चों, आपको क्या है, ये नंबर्स दिए गए हैं 9 तक, और यहाँ पर जो है ये इनके स्थानीय मान भी कह सकते हैं। देखो ये 10 वाला है, ये 100 पे है, ये 1000 पे, 10,000 और ये 1,00,000। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ये वाले जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, और जैसे मान लो अगर हमारा एक नंबर है 436 नंबर, हमने इसमें से एक संख्या चुनी, तो उसमें से 4 का क्या है, सैकड़ा है स्थानीय मान। दहाई 3 का दहाई मान है, पहले 4 का बताया हमने, उसके आगे 2 0 लगाएंगे, 3 का दहाई है तो इसके आगे 1 0 लगाएंगे। 6 का मान जो है इकाई का स्थान है, तो ये इकाई लिखिए, और साथ ही आपको इस संख्या का नाम भी लिखना है कि 436। अब जैसे हम एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 224 नंबर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका नाम भी लिखना है, 224 है ना। अब इस टेबल में देखो, 2 2 24 4, तो 224 में ये वाला जो है, देखो 224 इधर से 200, ये वाला मान होगा इसका दहाई, और इस वाले 2 का होगा मान 20, और ये वाला होगा 4, इसका इकाई का स्थान होगा। अब इसको लिखना है आपको 224 24। ठीक है, इसी तरह आपको अगला नंबर लिखना है, कितने भी नंबर आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए, 435 लिख लीजिए, 435, 410 लिख लीजिए, 410, आप कुछ भी चुन सकते हैं, 150, 150, आप 932 भी चुन सकते हैं, 932। इस तरीके से आपको पहला प्रश्न करना है, और साथ ही इनके इस टेबल से पढ़कर इनके स्थान पता करने हैं। अगर कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 111 है, तो ये जो इस संख्या में आखिरी वाला स्थान वाला 1 है, तो ये इकाई स्थान पर है, ये वाला दहाई स्थान पर है, ये वाला सैकड़ा स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ वाले जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है वो इकाई स्थान के लिए होता है, ये वाला दहाई के लिए, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख, लाख से आता है आगे करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से ये वाला देखो, उदाहरण के अनुसार दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान और अंकित मान लिखें। देखो स्थानीय मान वो होता है जो हम ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख कर रहे हैं, ये सारे इनके स्थाई मान हैं। और अंकित मान क्या है, वो जो अंक है, अंक कितना है वो उसका अंकित मान है। अब ये देखो, अब इसमें आपको 7 दिया हुआ है, पहले 4 दिया हुआ है 436 में, ये देखो इसका स्थानीय मान क्या था, प्लेस वैल्यू क्या थी इसकी, ये कौन से स्थान पर है, गिनो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में पीछे 2 0 आती हैं और आगे लिख लेते हैं, और इसका अंकीय मान क्या है, ये कितना नंबर है, 4, तो ये 4 भर दिया 436 में। अब 3 का बताना आपको, 3 का देखो इकाई, दहाई, दहाई वाला 30 होगा, दहाई स्थान, ये देखो ये रहा 30, तो यहाँ 30, और इसका अंकीय मान कितना है, 3। अब ये देखो 873, 73 में 7 का आपको स्थानीय मान बताना है, तो ये कौन सा स्थानीय मान है, दहाई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 70, और इसमें लिखेंगे इसका अंकीय मान कितना है, कितनी है ये, 7। ये देखो 964 में 9 का क्या स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 2 0 आएंगे 900, और क्या है इसका अंकीय मान, 9। यहाँ पर देखो
इसका अंक्यमान है 9। ठीक है, 8 में देखो, 578 में 8 इकाई स्थान पर है, तो खाली 8 आएगा और अंक्यमान भी इसका 8 ही होगा। 607 में 0 का देखो, 0 का मान कितना है, ये दहाई इकाई दहाई स्थान पर है, तो 2 0 आ जाएगी और यहाँ पर 1 0। यहाँ देखो 4075 में 4 का कितना है, अब ये गिनो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी आएगा 4000 और इसका अंक्यमान कितना है, कितना अंक है ये, 4। 6897 इसमें 8 का कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 800 है और कितना अंक्यमान है इसका, 8। आगे देखते हैं, इसमें देखो 4998 इसमें 0 का पूछा है, अब इसको काउंट करो, इकाई दहाई सैकड़ा, तो कितना है, 0 0 0, 3 0 लगा देंगे और इसका अंक्यमान कितना है, कितना अंक है ये, 0। इसमें देखो 7859, तो इसका कितना है, 9। 9 का आपको बताना है स्थानीय मान कितना है, तो आप लिखेंगे 9, इकाई स्थान पर है ना, और इसका अंक्यमान भी 9 ही है, 8763। तो इसमें बताओ कितना है, 8 का मान गिनो इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 8000 और 8 का अंक्यमान कितना है, 8। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।